नमस्कार, मैं हूं दीपिका पात्रे और आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया। देखिए कैसे बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी कोमल सहा ने एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में बनाई अपनी एक अलग पहचान और किया शहर व प्रदेश का नाम। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बिहार की बेटियों ने अपने राज्य की गरिमा को जीवंत रखते हुए अन्य राज्यों को यह बताना शुरू कर दिया है कि हम बिहार की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। शिक्षा जगत के सबसे बड़े मेडिकल नीट की परीक्षा में देश में अव्वल आने वाली कल्पना कुमारी और गायन में 99 साल तक आकाशवाणी से अनुबंधित मैथिली ठाकुर के बाद अब मुजफ्फरपुर शहर गोला बांध रोड निवासी मनोज कुमार की बड़ी बेटी कोमल साह ने मेकअप आर्टिस्ट के रूप में पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। कोमल को हाल ही में लुधियाना में संपन्न हुए देश के सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट गोल्डन अवार्ड से बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान ने सम्मानित भी किया है। साथ ही कोमल साहा मुजफ्फरपुर शहर की पहली लड़की हैं जिन्होंने मेकअप आर्टिस्ट में मास्टर की डिग्री हासिल की है। यह उपलब्धि नगर के लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए भी गौरव की बात है। ऐसा कोई भी अवार्ड मेकअप की दुनिया में पहली बार बिहार को प्राप्त हुआ है। आज हम बिहार के एक छोटे शहर में एक ऐसे आर्टिस्ट के पास पहुंचे जिन्होंने कम समय में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। और 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी तो इन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोमल साह पर ये बिल्कुल सटीक बैठती है और इन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई को छोड़ करके एक मेकअप आर्टिस्ट के लाइन में अपना नाम कमाया है। और आइए आज हम आपको उन्हीं से साक्षात्कार कराते हैं। आप ये पहले बताएं कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी? मेरी पढ़ाई मुजफ्फरपुर से ही हुई थी, लेकिन मैं फिर 12th करने के बाद दिल्ली में बीटेक में एडमिशन ली थी और फिर मैं बीटेक को छोड़ के बीच में ड्रॉप कर दी और उसके बाद मैं इस लाइन में आई और इस लाइन को ही अपना। जब आप मेकअप लाइन से जब आई तो आपको तरह तरह के लोगों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? हाँ, कठिनाइयों का सामना तो बहुत ही करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी। घर में मम्मी पापा का? मम्मी पापा का फुल सपोर्ट था। उन्होंने कुछ नहीं बोला क्या? नहीं, उन्होंने भी, पापा भी बोले कि इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छा है, तुम उस लाइन को क्यों छोड़ रही है? लेकिन मैं बोली पापा जरूरी नहीं कि हर बच्चा मेडिकल या इंजीनियरिंग में ही जाए, अगर आज हमारा करियर ये है, मुझे ये पसंद है तो मैं इसमें ही ज्यादा खुश रह पाऊंगी। जब आपको लुधियाना में जरीन खान के द्वारा सम्मानित जब किया गया तो आप चाहते तो अपना इस जो आप मेकअप आर्टिस्ट का जो आप यहाँ पे खोली है सैलून, ये आप बिहार से बाहर भी खोल सकती थी, लेकिन यहाँ खोलने का मन कैसे हुआ? बिहार से बाहर भी खोल सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि अपना जो हमारा जो मुजफ्फरपुर है मैं इसका नाम रोशन करूँ, मैं इसको हर जगह पहचान बनाऊ कि मुजफ्फरपुर जो है काफी अच्छा है, लोग इसे स्मार्ट सिटी भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तरह तरह के मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे, लोग बोलते थे मैं बाहर जा रही हूँ दिल्ली जा, लोग अपने शहर को छोड़ के दूसरे के शहर को अपनाते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि नहीं, मैं अपने शहर को नाम दूँ, इसलिए मैं अपने शहर में काम कर रही हूँ। आप ये बताया कि आपका आगे का और कुछ फ्यूचर का प्लानिंग? आगे फ्यूचर प्लानिंग मेरा यही है कि मैं इस लाइन में आई हूँ और मैं आगे बॉलीवुड में जाऊँ। खैर मेरा भी सिलेक्शन हो रहा है, मुझे बॉलीवुड से ऑफर भी आ रहा है तो मैं उसमें जाना चाहती हूँ। कुछ मेकअप के बारे में बताएंगे, इसमें किस प्रकार के होते हैं मेकअप? मेकअप में बहुत तरह के मेकअप होते हैं, ज्यादातर हम मेकअप स्किन के अकॉर्डिंग करते हैं और जैसे अभी विंटर का टाइम है तो इसमें अलग मेकअप होता है। विंटर बहुत ही अच्छा चीज है मेकअप के लिए, अगर मानो तो विंटर ही सबसे बेस्ट है क्योंकि समर में पसीना आता है तो इसमें थोड़ा मेकअप खराब भी होता है, लेकिन विंटर में ऐसा कुछ नहीं है तो विंटर बेस्ट है मेकअप के लिए। आप इस मेकअप लाइन से जो आर्टिस्ट लाइन से जो जुड़ना चाहती हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज? मैं यही उनसे बोलूंगी, अगर उनकी चॉइस है इस लाइन में तो वो आए, इस लाइन में ट्रेनिंग होती है इसकी, क्लासेस करे और अपने करियर को सवारे आगे। लोग तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत कुछ बोलेंगे, पैर खींचेंगे, लेकिन उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए हमें अपना करियर देखना है। इसमें बहुत सारे लोगों के द्वारा सुना जाता है कि जो मेकअप लाइन है उसे जाती हैं तो उन लोगों के जो ऐसा शोषण किया जाता है, क्या ऐसा बात नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लोग अगवा फैलाते हैं, इस बातों को गलत समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर से टीम टीवी 30 इंडिया के साथ मणि शंकर की रिपोर्ट।
अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।